हाय बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बीम टू बीम कनेक्शन। बीम टू बीम कनेक्शन जो है आपका स्टील स्ट्रक्चर्स ड्राइंग। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग आपके सिक्स सेमेस्टर में है। सिक्स सेमेस्टर में आपके पास स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है, उसी का एक टॉपिक आता है आपके पास बीम टू बीम कनेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर रूप से वीडियो में बने रहना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बीम टू बीम कनेक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं। बीम टू बीम कनेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। बीम टू बीम कनेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है आपका फ्रेम्ड बीम कनेक्शन। हम आपको बताएंगे भी, पिक्चर की हेल्प से बताएंगे आपको, इमेज की हेल्प से आपको हम कंप्लीट बताएंगे कि फ्रेम्ड कनेक्शन क्या होता है और सीटेड कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका कनेक्शन होता है फ्रेम्ड कनेक्शन। फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन पूरा अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। इसकी ड्राइंग आपको बनाने के लिए आती है फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन की, और ऐसे ही सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की ड्राइंग आपको बनाने के लिए आती है। नंबर दो होता है आपका सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन, शॉर्ट में लिख दूं बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, तो आपके दो प्रकार के होते हैं बीम टू बीम कनेक्शन। एक तो होता है आपका फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन, एक होता है आपका सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन। अब अगर हम बात करें सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन, ये भी आपके दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आपका अनस्टिफनिड सीटेड कनेक्शन। ठीक है, एक तो होता है आपका अनस्टिफनिड सीटेड कनेक्शन और एक होता है आपका स्टिफनिड सीटेड कनेक्शन। बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को प्रॉपर रूप से देखें, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज आपको कवर कर देंगे क्या बीम टू बीम कनेक्शन से रिलेटेड। कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारा बीम टू बीम कनेक्शन फ्रेम्ड कनेक्शन कैसा होता है और सीटेड कनेक्शन क्या होता है। ये डाउट भी हम आपका क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। देखो, हमने एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, अगर आप ये सभी ड्राइंग्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेम्ड कनेक्शन की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, सीटेड कनेक्शन की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, तो हमारी ऐप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और कैसे इनकी ड्राइंग बनाई जाती है जो हम आपको कनेक्शन बताएंगे, वो प्रॉपर रूप से अगर आपको सीखने हैं तो हम आपको विद मिनट आफ्टर की हेल्प से बताते हैं। और हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। लोगो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इस लोगो की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जहां पर हम आपको कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग सिक्स सेमेस्टर की कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो फर्स्ट है आपका फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन क्या होता है, देखिए यहां पर हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपका है फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। जो ये कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है? फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। कैसे आप पता करेंगे कि ये फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन है? फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन हमें कैसा पता लगेगा कि ये फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन है? आइए समझते हैं। यहां पर देखो, ये जो आपको ग्रीन उसमें दिखाई दे रही है, ये है आपकी बड़ी बीम भी है और इसको हम बोलते हैं मेन बीम। ये मेरी क्या है? ये है हमारी यहां पर मेन बीम। और जो छोटी बीम दिखाई दे रही है, स्मॉलर बीम दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी सेकेंडरी बीम। कैसी बीम होती है? सेकेंडरी बीम। ये मेरी है सेकेंडरी बीम और ये बड़े वाली है मेरी मेन बीम। अब देखो, ये मेन बीम में अब आपको समझना होगा कि जो बीम का ये पोर्शन होता है, बीम का जो ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैंज। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है फ्लैंज। ठीक है, यहीं से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, फ्लैंज। और जो बीम का ये पोर्शन होता है, जो बीम का ये पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेब। ये होता है आपका वेब। ऐसे ही अगर हम यहां पर सेकेंडरी बीम में बात करें, तो बीम का जो ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं फ्लैंज। और जो बीम का ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेब। ठीक है, तो आइए समझते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। देखो, जब सेकेंडरी बीम के वेब को, ये पोर्शन क्या है? सेकेंडरी बीम का वेब का है। जब सेकेंडरी बीम के वेब को मेन बीम के वेब के साथ वेब क्लिट, ये जो रेड वाला दिख रहा है वेब क्लिट एंगल, इसको हम बोलते हैं वेब क्लिट एंगल। वेब क्लिट एंगल की हेल्प से जोड़ते हैं। मैंने क्या बताया? जब सेकेंडरी बीम के वेब को
मेन बीम के वेब से वेब क्लिट एंगल की हेल्प से जोड़ते हैं तो वो हमारा फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन कहलाता है। समझे, जब सेकेंडरी बीम का वेब और मेन बीम के वेब को कनेक्ट करते हैं हम वेब क्लिट एंगल, बोथ साइड में होती है वेब क्लिट एंगल, इस साइड में भी आपने लगाई और इसके इस साइड में भी, इस साइड में भी आप क्या लगाएंगे, वेब क्लिट एंगल लगाएंगे, इस साइड में भी आप वेब क्लिट एंगल लगाएंगे, दोनों साइड में, बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर यही बीम इस साइड में भी होती, अगर यही बीम, एक बीम इस साइड में हम लगाते, अगर सेकेंडरी बीम हम इस साइड में भी अगर लगाते तो फिर भी हम क्या करते, इस साइड भी इसके वेब क्लिट एंगल लगाते हैं और दूसरी साइड भी। तो दोनों साइड की भी ड्राइंग हम जब आपको ड्राइंग कवर कराएंगे ना तो दोनों साइड में हम आपको बताएंगे और सिंगल साइड में बताएंगे कि फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन या सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो समझे, फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन क्या होता है, जब सेकेंडरी बीम के वेब को मेन बीम के वेब से वेब क्लिट एंगल की हेल्प से जोड़ते हैं, किसकी, वेब क्लिट एंगल की हेल्प से जोड़ते हैं तो वो कनेक्शन हमारा फ्रेम्ड बीम कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग हम आपको प्रॉपर रूप से बताएंगे विद मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से बताएंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं सीटेड कनेक्शन। अब हम समझते हैं सीटेड कनेक्शन, ये आपका है सीटेड कनेक्शन, जो ये आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है ये है आपकी सीटेड कनेक्शन की, सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की, सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की। क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर आपको, बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू बीम कनेक्शन, ये मेरा सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की ड्राइंग है। कैसे हमें पता लगेगा, देखो ये मेरी क्या है, मेन बीम, मेन बीम, और ये मेरी क्या है, सेकेंडरी बीम, ये मेरी सेकेंडरी बीम है। अब देखो यहां पर कैसे पता लगा, देखो अगर 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 ये फ्रेम्ड बीम कनेक्शन होता तो क्या होता, मेन बीम सेकेंडरी बीम का वेब और मेन बीम के वेब में वेब क्लिट यहां लगी रहती, बट क्या होता है इसमें, क्या होता है जो सेकेंडरी बीम का फ्लैंज है, ये क्या है, सेकेंडरी बीम का फ्लैंज, ये सेकेंडरी बीम के फ्लैंज को सीट एंगल की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, सीट एंगल, इसमें हम लगाते हैं सीट एंगल, इसमें हम सीट एंगल लगाते हैं, और सीट एंगल कहाँ लगाते हैं, सीट एंगल लगाते हैं सेकेंडरी बीम के फ्लैंज के साथ और मेन बीम का वेब। देखो सेकेंडरी बीम का तो फ्लैंज है और मेन बीम के वेब के साथ कनेक्ट हो रहा है सीट एंगल, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, इसलिए सीटेड बीम कनेक्शन। और इसमें ऊपर क्या लगाते हैं, टॉप क्लिट एंगल, ऊपर जो लगाते हैं उसको बोलते हैं हम टॉप क्लिट एंगल। देखो यहां पर ये सेकेंडरी बीम के तो फ्लैंज से कनेक्ट है, सेकेंडरी बीम के फ्लैंज से कनेक्ट हो रही है टॉप क्लिट एंगल, और मेन बीम के वेब से कनेक्ट हो रही है, मेन बीम के वेब से। ऐसे ही ये अगर हम नीचे से सीट एंगल की बात करें, सीट एंगल का ये पोर्शन तो हो रहा है आपका फ्लैंज के साथ कनेक्ट, किसके, सेकेंडरी बीम के, और ये पोर्शन हो रहा है आपके वेब के साथ कनेक्ट, मेन बीम के वेब के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, आप अगर सीटेड एंगल की बात करें, सीटेड एंगल में क्या होता है, सीट एंगल लगाया जाता है, और सीट एंगल कहाँ कनेक्ट होता है, सेकेंडरी बीम के फ्लैंज से और मेन बीम के वेब से कनेक्ट रहता है। ये बीम टू बीम कनेक्शन की बात हो रही है, ना कि कॉलम टू बीम कनेक्शन। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, मैं कॉलम टू बीम कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके बीम टू बीम कनेक्शन की, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की अगर आपको बात की जाए तो आप कैसे बताएंगे, जब सेकेंडरी बीम के फ्लैंज को मेन बीम के वेब से सीट एंगल की हेल्प से जोड़ा जाता है, किसकी, सीट एंगल की हेल्प से जोड़ा जाता है, और ऊपर इसमें टॉप क्लिट एंगल लगाया जाता है, तो वो हमारा सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन कहलाता है, और यही हमारा अनस्टिप, और यही हमारा क्या होता है, अनस्टिफनेड सीट कनेक्शन, अनस्टिफनेड सीट सीटेड कनेक्शन होता है, ये हमारा अनस्टिफनेड सीटेड कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक कवर। अगर आप हमारे साथ कंप्लीट ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे इनकी ड्राइंग बनाई जाती है, कैसे वेब क्लिट एंगल लगाए जाते हैं और कैसे इनका डाटा लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको कवर करेंगे हमारी एप्लीकेशन गुरुजी न्यू ड्राइंग पर। ठीक है, कंप्लीट अगर आप अपना हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। ठीक है, और हमारे साथ कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ।